देखिए एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह हैं, वो लगातार आशीर्वाद मांग रहे हैं जनता से, और साथ में दोनों विधायक स्थानीय विधायक बीजेपी के उनके दाएं बाएं। प्रदीप जी क्या लग रहा है, जनता पूरा उत्साहित है? जन सैलाब है जी, जन जन में उत्साह है और जन सैलाब है, पूरा लोगों में खुशी है। नरेंद्र मोदी के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे अपार लोगों में उत्साह उमंग है। 7 तारीख को मतदान के लिए सब तैयार है और 7 तारीख को कमल छाप पर बटन दबा करके पुनः देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहे। जिस तरह से देखिए लोग आपको मोबाइल में कैद कर रहे हैं, आपको वीडियो में कैद कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? लोगों का स्नेह है, प्यार है जी, और उनका आशीर्वाद है जी। हमने जो काम किया है और उन्हीं का परिणाम है। देखिए पूरा जी, देखिए पूरी जाम की स्थिति बन गई है। जितने भी समर्थक हैं, जो भी एनडीए के प्रत्याशी प्रदीप सिंह को प्यार कर रहे हैं, उनके साथ जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। दुकानदार हैं, जनता है, जो उनसे हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आशीर्वाद लेते हुए, देखिए अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, वोटिंग में 7 तारीख को वोटिंग होनी है। सर ये पूरा जाम वाली स्थिति हो गई है। ये लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, और ये मैंने जो काम किया 5 साल जी, लोगों का दिल जीता है जी, उसी का यह दृश्य देखने को मिला। सर हम तो कई जगह गए, लेकिन सबसे आश्चर्य तब हुआ जब जोकीहाट में भी, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कमल खिला देना है, नरेंद्र मोदी और प्रदीप सिंह को जिता देना है। जरूर खिलाएगा, इसलिए कि जात धर्म से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास किया है जी, इस बार जाति के नाम पे वोट नहीं मिलेगा जी। इस बार नरेंद्र मोदी का विकास जी, और हम लोगों का जो सबका साथ सबका विकास के साथ अररिया जिला में जो काम किया है उनके नाम पे वोट मिले। देखिए हम आगे भी इंटरव्यू करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल सर आपसे, जो आपके अपोजिशन में खड़े हैं तस्मुद्दीन साहब के बेटे, उनके खिलाफ उन्हीं के समाज के लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है कि वो आते नहीं है जनता के बीच में। अब नहीं आते होंगे तो जनता तय करेगी ना, जनता ही तो मालिक है, जनता तय करेगी। यही तो 5 साल में जनता को हिसाब देना पड़ता है जनप्रतिनिधि को जी। आप एक बार बन गए, आप मालिक नहीं बन गए जी, आप जनता का सेवक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम प्रधान सेवक हैं जी, तो कोई एमपी है, कोई एमएलए है जी, तो अपने अपने क्षेत्र का सेवक है। चलिए देखिए हम आगे भी इंटरव्यू करेंगे, जो मंडी तक जाना है। दोनों विधायक जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, क्या उत्साह लग रहा है? देखिए पूरे देश में, बिहार में और अररिया में जी, मोदी की गारंटी की आंधी चल रही है जी। आप पूरा देखिए जन सैलाब है, हर कोई के दिल में कमल फूल छाप है जी। हर कोई चाहता है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और जन जन तक उनकी योजना जो है पहुंची है, इसलिए मोदी के सब मुरीद हैं। और 7 तारीख को जो अररिया में चुनाव है उसमें बटम क्रमांक 2 पर कमल फूल छाप है। प्रदीप सिंह सबके प्रिय नेता है, एनडीए के प्रत्याशी है, मोदी के सिपाही है, हर कोई के हृदय में इनका स्थान है। अररिया को विकास की श्रेणी में आगे ले गए हैं, आकांक्षी जिला प्रधानमंत्री ने बनाया और काफी विकास हुआ है। इसलिए जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके मोदी जी ने जो कहा है, युवा गरीब किसान महिला यही जाति है, और अररिया का यही प्रमाण है कि सब मिल करके 7 तारीख को कमल के बटन पर अपना मोहर लगाएंगे, प्रदीप सिंह को आशीर्वाद देंगे और प्रदीप सिंह 7 तारीख को भारी मतों से ईवीएम में बंद होंगे और 4 तारीख को काफी मतों के अंतर से ये जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री।
हम एक आखिरी रिएक्शन लेते हैं, कितना उत्साह है? पूरी तरीका से उत्साह है। इस बार आर पार की लड़ाई है राष्ट्रवाद पर और जो अपने परिवारवाद पर, ये दोनों पर लड़ाई है और ये सीमा क्षेत्र है। और इस बार जन सैलाब आप देख रहे हैं रोड के सामने, देखिए कितना बड़ा जन सैलाब है, 1 किलोमीटर का जो है मोटरसाइकिल का जन सैलाब है। और ये सूचित करता है इस बार अररिया में 2 लाख से ऊपर से हम लोग वोट से जीत कर करके भाई प्रदीप कुमार सिंह जी को दिल्ली भेजेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। इस बार अररिया की जनता ने ठान लिया है कि पुनः मोदी जी को जो है अररिया से 1 कमल का फूल वहां तक हम लोग पहुंचाएंगे। और आज जो आप देख रहे हैं, ये जितना बड़ा जन सैलाब जो देख रहे हैं इसका नमूना है ये। 7 तारीख को आप बूथ पर, हर बूथ पर देखिएगा कि किस तरीका से युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और गरीब लोगों का किस प्रकार से मोदी जी के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम आपको स्पष्ट जो है बूथ पर दिखाई पड़ेगा। और यह जन सैलाब आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो है विकास के नाम पर जो है जनता से वोट मांगे थे और जनता ने स्पष्ट रूप से जो है यह संकेत दे दिया है कि आप जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास किया गया वो विकास ही जो है, और हम लोगों का जो है एक एजेंडा था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है जो राष्ट्रवाद का जो सपना है उनको व्यक्तित्व को लेकर करके पूरा अररिया की जनता पूरा उनके प्रति स्नेह रखती है, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी 5-5 बार हमारे फारबिसगंज विधानसभा में और अररिया लोकसभा में जो है उनका आना हुआ। फारबिसगंज के जनता से अगाध प्रेम है, अररिया की जनता से अगाध प्रेम है और क्षेत्र के विकास के लिए अलग से उन लोगों, उन्होंने अररिया के लिए अलग से चलिए सभी लोग कॉन्फिडेंस है, चाहे प्रदीप सिंह हो चाहे दोनों विधायक हो, कि 7 को जो जन सैलाब है वोट में तब्दील होगा और 4 जून को भारी मोहम्मद से यहां से बीजेपी की जीत होगी।